या मोटिवेशन, व्हाट इज एंथुसियाज्म? माय प्रोम मोटिवेशन इज लाइक सी फर्स्ट व्हाट द पिचिन इज दैट वी आर एन ऑडियंस वन थिंग बट द पोलिंग व्हिच वी हैड इज द लाइक माइंडेड पीपल हु आर टुगेदर दैट इज आवर स्ट्रेंथ आई मीन आई फील दैट दैट इज माय मोटिवेशन टू बी ऑन विद द लाइंस जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हमने पंक रजिस्टर किया था 2015 में, उससे पहले हमारा प्लानिंग था 2012 में कि 2012 में हम रजिस्टर करेंगे। 3 साल लगे हमें इसको रजिस्टर करने में, अच्छा ओके ठीक है। और काफी थॉट प्रोसेस रहा उसमें कि रजिस्टर करेंगे तो कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, सब चीज़ें होती गई, चलता गया, करते 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 फिर फाइनलाइज हुआ कि हम कैसे कैसे हम काम करेंगे। फिर 2015 में रजिस्टर किया, और 2015 में रजिस्टर करने के बाद में जो रियल में काम शुरू हुआ 2020 में कोविड में, ठीक है। 5 साल और लगे फंड मोबिलाइज करने में, अपनी एग्जिस्टिंग अपना थॉट प्रोसेस ट्रांसफर करने में। तो ये चीज़ें देखो, जब कभी हम कुछ बड़ा हिट करने का प्लान करते हैं तो ये टाइम लगता है। हमारे केस में इसमें ये बेनिफिट रहेगा कि सबको इस सेगमेंट का अंडरस्टैंडिंग है, सब एक कोर डोमेन के एक्सपर्ट है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि हाँ, है ना, क्योंकि हमारे पास एक दो इसके अच्छे पॉइंट है। पहला, हम एनआईडी से पास आउट हुए हैं, साथ में जो हम कोर्स कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एनआईडी के जो भी एक जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हैं, है ना। तो क्योंकि देखो एनआईडी जगह जगह जाके ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें कर रही है, जैसे अभी जीपीडीपी आई तो जीपीडीपी के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स, प्रधान, वो सबका ट्रेनिंग चल रहा है लगभग 1 लाख से प्लस का। तो एनआईडी के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अकेले दम पे कर ले विदाउट इंगेजिंग द प्रोफेशनल्स, और हम प्रोफेशनल वो उनका गैप जो होगा उसको फुलफिल करेंगे, साथ में न्यू आइडिया देंगे, टेक्नोलॉजी जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हम करेंगे, ताकि ये चीज़ें और स्मूथ होगी। एनआईडी का जो अभी स्लो प्रोसेस चल रहा है कि किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना है तो उनको 2 साल 3 साल का टाइम लगता है, अगर हम उसमें प्लग इन हो जाते हैं तो ये टाइम हो सकता है 6 महीने का हो जाए, 1 साल का हो जाए। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनआईडी, एनआईडी में अगर हम प्रोफेसर करेंगे तो बहुत लिमिटेड है, काफ़ी काम उनको होता है कि आउटसोर्स करना पड़ता है क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है, काफ़ी अप्रूवल लेवल है जो वो डायरेक्ट वो नहीं कर सकते बिना अप्रूवल के। उन्होंने कुछ भेजा और दिल्ली से अप्रूवल आने आने में 6 महीने लग गए। First, this was the biggest point. So another was like discussing the individual topics. So what was the individual topics? So मेरा individual topic है कि so I wanted to push forward the policy of FCI, Food Corporation of India में एक loophole है. वो loophole ये है कि procurement segment जो है वो procurement segment डिसेंट्रलाइज करना चाहिए. तो वो डिसेंट्रलाइज कैसा करे, कौन करे, किसके साथ करना चाहिए? तो एक हिसाब से FPOs ऑलरेडी फील्ड में है, वो फील्ड में हम लोग कैसा मोबिलाइज करेंगे FPOs को? IKP, इंदिरा गांधी पतकम, इज देयर इन साउथर्न पार्ट. सो द सेम वे द प्रोक्योरमेंट वाज हैपनिंग कैन हैपन इन द डिफरेंट प्लेसेस आल्सो, बट द प्रोसेसिंग कैन आल्सो हैपन व्हिच इज अन एग्जिस्टिंग. सो माय पॉइंट वाज लाइक टू फॉर द प्रोसेसिंग पॉइंट. सो आई एम सर्चिंग इन दैट क्वेश्चन. हम सोचे थे कि इसके इसके साथ में कूदेंगे. Satish ji, you told that decentralized, since it is a broad term, but where you exactly found that there is a gap, I mean, pinpoint out. I visited one of the villages, so, IKP, they are facing like, charge, or, they are deducting some, 1 kg for this much like that. Oh, that is the one drawback where we can work, as per me. So my question is this much. Can you guys read the screen? Yeah. Yeah. So what is the economic dimensions of unpredicted post office losses in paddy or the value chain which is happening? So the log procurement nahi kar raha hai ya processing nahi kar raha hai, kya kar raha hai? So Food Corporation of India mein mera hisab se procurement jo hai food paddy mein वो प्रोक्योरमेंट खुद करना चाहिए या कर नहीं करना चाहिए या कौन प्रोसेसिंग करना चाहिए? मेरा हिसाब से किसान लोगों को ही वो प्रोसेसिंग सेगमेंट उन लोगों को देना है. वो किसान लोगों को कैसा देगा, मतलब वो एफपीओ के नाम से देगा या कॉपरेटिव के नाम से देगा? तो वी आर कलेक्टिव एक्शन कैन कंट्रीब्यूट डिसेंट्रलाइज्ड पैडी प्रोसेसिंग. सो दिस इज माय कंट्रीब्यूशन व्हिच आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड. सो If we can check the FCI data, every year 10 to 15% food grain losses are there. Decentralization can be a process that can, in long term, can be reduced, but without an infrastructure, how can that be addressed? तो मेरा हिसाब से हम बोल रहे हैं कि अभी तक जैसे एफसीआई को जो है प्रोसेसिंग जो कर रहा है वो दूसरा लोग कर रहा है, दूसरा राइस मिल कर रहा है, बट वो दूसरा राइस मिल कैसा एम्पैनल्ड हो रहा है, मतलब एफसीआई के साथ वो एक टेंडर प्रोसेस के साथ एम्पैनल्ड हो रहा है या किसी और के साथ एम्पैनल्ड हो रहा है? तो अभी वही एफपीओ हम लोगों का, किसानों का एफपीओ वही एम्पैनल्ड हुआ है तो वो भी हो सकता है. बट ये पॉलिसी में ये नहीं आया है कि अमेंडमेंट में ये नहीं आया है कि पूरा सभी एफपीओ को डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग करवाएंगे, तो ताकि हर एक एफपीओ को, हर एक इलाका में हर एक एफपीओ को कुछ कमीशन जाए या प्रोसेसिंग के लिए या कुछ जाए. जैसे पहले तो हम ये समझे कि स्ट्रक्चर क्या है एफसीआई का, किस तरीके से विलेज से लेके जीपी, जीपी देन ब्लॉक देन तहसील देन डिस्ट्रिक्ट फिर देन स्टेट देन कंट्री, तो यहाँ पे क्या उनका सिस्टम काम करता है? एक्चुअली सुरेंद्र, व्हाट ही इज आस्किंग यू कि इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लुकिंग फॉर द मोर फंड्स टू बिल्ड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट यू वांट टू गेट इट डन इन द एफपीओ सेक्टर.
what approach you want to follow, what methodology that you want to follow. तो FCI अभी तक जितना तक हमको समझ में आया जो एक पॉलिसी चल रहा है वो FCI में चल रहा है वो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस था प्रोक्योरमेंट प्राइस के बाद वो MSP बदल गया MSP अभी 18 रुपया में मिल रहा है MSP हर एक कमोडिटी के ऊपर है बट वो MSP MRP क्यों नहीं है तो एक हिसाब से सोचा गया तो हो सकता है या नहीं हो सकता है वो लोग अमूल जैसा जब हुआ है तो उसी समय में हो सकता है तो अमूल एक हिसाब से वो इलाका में देर वर ओनली टू विलेजेस एंड मुल्कनूर वाज ओनली 14 विलेजेस दे आर सेलिंग एज अ फिनिश्ड कमोडिटी बट इफ इफ FCI टेक अ पॉलिसी ऑन पॉलिसी अमेंडमेंट ऑन होल द कंट्री विल सेल देमसेल्व्स द कमोडिटी एज अ इंस्टीट्यूशंस इन डिसेंट्रलाइज्ड FCI जो कर रहा है मतलब दान को ले आ रहा है किसानों के साथ और उसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और वापस भेज रहा है फिर से राइस मिल को और फिर से ले आ रहा है रखने के लिए और फिर से बांटने के लिए जा रहा है और बहुत सारा खर्चा हो रहा है उन लोगों के अंदर में सिर्फ प्रोसेसिंग के नाम से what I feel Satish, it's not a research I think it's an area specific or the region specific intervention that we need to, that we are planning to do so we can call it as a need based assessment that whether it's required for the particular reason or not so instead of taking it as research I think it's more or less it's a need based assessment that we need to do food corporation india hai hamara har saal produce वहाँ पे जाता है पूरा MSP का उससे कनेक्ट होता है लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि हमने काफी ऐसे न्यूज देखी है पर्सनल भी मैं भी काफी जगह विजिट किया हूँ FCI गोडाउन में लगभग 20-30% जो ग्रेन है वो वेस्ट होता है और अगर हम बात करते हैं FPO लेवल की क्योंकि देखो अगर मैं थोड़ा दूसरा एंगल से सोचूं जो ब्लॉक लेवल पे जो है जैसे GPDB तो ब्लॉक लेवल पे देख रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देख रहा है तो इनके पास भी एक ऐसा कुछ मतलब ऑप्शन होता है या फंड होता है जो एक सेंट्रलाइज कुछ प्लान कर सकते हैं ग्राम पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट ठीक है उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो GPDB में एड करके उसको वो एज एंटरप्राइज डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए डेवलप कर सकते हैं ऑन द सेम लाइन हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वैसे भी एक्चुअली सर लास्ट वीक वी हैव आल्सो डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ कांसेप्ट नोट एक एक जैसे अभी FCI का सतीश ने बोला सो एवरीवन आर वर्किंग ऑन डिफरेंट कांसेप्ट एक GPDP में सो हाउ वी कैन इंटरवीन एंड व्हाट वी कैन रिफॉर्म in the government policy. I think from Surendra point of view, it's very correct that it can be activity, but it cannot be our objective. Our objective can be research because you know like for each and every activity that we are planning to include into this panchayat or at the district level we need some or the other kind of support and as far as GPDP is concerned so the 100% the most the major percentage is from the 15th finance commission and the segregation is like that you can only with the help of convergence you can definitely build infrastructure or you can go for the high level activities but for the low level activities panchayat doesn't have even 10% of their fund who can invest in the infrastructure What I'm talking about in my sense, GPDP should be aligned to child poverty, GPDP should be aligned to women and child budgeting, GPDP should be aligned to the SDG, GPDP should be aligned to the localization of sustainable development goals. Right. So what I'm trying to say to you, the policy advocacy should not include activity. It should include some objective. Let's suppose we are making an alliance of sarpanches and we are training them, we are showcasing them how we can go for this child and women-based budgeting. How we can plan for this child poverty. So my perspective is that vertical is one thing and multidimensional approach is another thing where we can make our project sustainable. So whosoever is there from the alumni, they can contribute actually. Because if someone's idea is there, then it's our duty to make it formulate. You need to formalize it actually. So with the help of other experts. That we can plan like how we can way forward for our like plan of activities. So here like right now we are running a project where we are making an alliance of sarpanches called CG Punch. So in the CG Punch, we are... putting all these elected representatives to sit in one platform for the incremental based learning. We are putting all the knowledges and sensitization on the child-related indicators. Along with that, we are helping them in the planning, implementation, and monitoring of Gram Panchayat Development Plan aligned to localization of SDG goals. Along with that, whatever activities what they are doing, we are showcasing them to the government in the form of best practices. That means documentation. Second is the analysis of budget, women and child-friendly budget. And third is the orientation and hand-holding support. So what I'm trying to say, we have infrastructure, we have everything. Like we have DPRCs, District Panchayati Raj Centers, we have PRTCs, Panchayati Raj Training Center at the block level. So all these infrastructure can be utilized for this activity to be attained. So हम लोग NIRD Alma Mater को आगे ले जा रहे हैं, जैसे कि सबको ले जा रहे हैं या सिर्फ 10 लोग आगे जा रहा है? नहीं, इसके लिए देखो, मैं ये बोलूँगा कि जैसे हम बात करते हैं, second वाला इसमें जो option और वाला, as a normal organization, ये normal NGO, जब हम ये पहला कर लेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है जैसे हम अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे तो एडमिटेड नाम आ जाएगा उसके साथ और उसके ऑब्जेक्टिव होंगे ये I'll request all the members who are present today so I'll request all of them like whomsoever project that you are undertaking right now try to present it to all the members so that like we will be in the same platform where we can discuss the things so I think it need to be very clear like website thing social media marketing thing
like brochure making, because these are the parallel activities that we need to focus, like along with the organizational building and along with the structure, along with the objective that we need to do. We need to like put a proposal to the government. So these are the areas also like we need to focus upon, and we need to segregate, like in the terms of content making, in the terms of social media marketing. Right. But before that, we need to, define our objective. But अभी तक हम लोगों का टेबल पे तीन तीन टॉपिक्स आया, एक है जीपीडीपी, एक है एफसीआई, एक है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे अलावा और एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस श्रीनाथ की तरफ से आया है कि आसिफाबाद में। तो मैं बेसिकली जो मेरा जो फील्ड एक्सपीरियंस था उसके बिहाफ में मैं था कि जो स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो होते हैं, लेकिन जो एक टीचर्स होते हैं वो मतलब वेल ट्रेंड नहीं होते थे, मतलब इतना इंथुजियास्टिक नहीं होते कि वो बेसिक चीज़ें सिखा पाए। स्टैंडर्ड 8 तक बच्चे हो जाते हैं, स्टिल दे डोंट नो हाउ टू रीड द बुक्स। सो मेरा यही था कि क्वालिटी ऑफ टीचर एश्योरेंस एंड अच्छी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत मॉडर्न है लेकिन एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट, तो बच्चों के लिए वो इक्विपमेंट होनी चाहिए जिससे कि वो उन्हें भी थोड़ा पढ़ने में मजा। समझ गया, बट आप इसको कैसे टैकल करना चाह रहे हैं? मतलब आपका क्वेश्चन तो कि वैलिड है कि क्वालिटी टीचर रहनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इसको कैसे हम लोग वैलिडेट करेंगे कि कैसा करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो भी आपका पॉलिसी, जो आप ये जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मैं बहुत देर से सुन रही थी और समझ रही थी, मैंने बस अपने एक आइडिया दिया। अगर करने की बात आएगी तो अगर कहीं चांस मिलता है तो ऑब्वियसली हम एक, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर होता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट चलते हैं, तो वही एक मतलब करने का है, तो मैं तो वही सजेस्ट करूँ कि वहीं से ये चीज़ें एश्योर्ड हो। और जैसे कि हम फार्मिंग में सीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें भी यही है कि इनपुट सप्लाई पे काम किया जा सकता है। As Ms. Madhurani has told ki like education mein bahut sari aise cheeze hain jahan pe change ho sakta hai. So being like I work in a decentralized planning, so there's one area in the theme based, like now government has focused on this theme based decentralized planning. Like the sustainable development goals, they have divided into 9 themes. Like first is poverty free village, second is healthy village, third is child friendly village, like that, and theme 9 is women friendly village. So there are activities which are aligned to the activities which Madhurani was like discussing. Kis planning ka sundarikaran kaise karte hain, ye us pe depend karta hai ki hum kitna logo ko engage kar sakte hain. She has discussed ki matlab teachers ka interest nahi hota hai ki class mein aaye. आप ये बताओ, आप ऐसे चार दीवारी के अंदर बैठ सकते हो एक घंटे भी जहाँ की चार दीवारी बस हो और आपको लगे कि आपका बहुत सन्नाटा है? तो now we are also working in this quality GPDP aspect where we are focusing on this wall painting, how we can make this children friendly environment. Like we are having child friendly corners in our Anganwaris. So why don't we make all these child friendly corners in primary school, middle school, so that children will be engaged. Their teachers, they are saying that we don't have any space for library. We are focusing on the wall hanging library. आप जगह तो बनाओ बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे आकर के बैठे, उनको अपनापन लगे वैसा। तो आई थिंक दीज एस्पेक्ट्स आल्सो लाइक कैन बी अंडरटेकन लाइक व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर द एजुकेशन। सर, सम थैंक्स टू मधुरानी टॉपिक। सो आई रियलाइज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस स्कूल इंफ्रा, एक चीज है कि उसका जो किचन होता है मिड डे मील का, वहाँ पे काम कर सकते हैं, और सेकंड जो टॉयलेट होता है वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मैंने फाइंड किया ड्यूरिंग माय फील्ड विजिट की टॉयलेट है, लेकिन बच्चों वहाँ पे ना इतना गंदा होता है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं होता है। वहाँ पे एक पर्सन भी होता है कि जो क्लीन करे गांव से, मतलब स्वच्छता रहे स्कूल का, लेकिन वो बंदा करता नहीं। तो उसको मॉनिटर करने के लिए जीपीडीपी में ही वेदर वी आर क्लीनिंग और नॉट, यस नो टिक करने का एक ऑप्शन भी होता है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसका यूज नहीं है। यहाँ पे जो मैं जनगांव में फील्ड विजिट में आइडेंटिफाई किया था, उसको मॉनिटर करने वाला होता है पंचायत सेक्रेटरी। तो इस पे भी ध्यान दे सकते कि अब फूड का क्वालिटी चेक एंड बैलेंसेस के लिए जो एसएचजी महिला होती है, हर महीने के लिए 2 महिला डिपीट करते हैं। एक गांव में कहा, मैं देखा था मध्य प्रदेश में जो इंटर्नशिप में, एक विलेज ऐसे फॉलो हो रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो मिड डे मील का वो प्रोग्राम कर दिए एसएचजी महिला, हर महीने में 2-2 महिला चेंज होती है, और रिमाइनिंग पीपल दे विल चेक वेदर दे आर गिविंग गुड और नॉट, चेक एंड बैलेंसेस ऐसे होता ना। तो इतना अच्छा लगा वो, मतलब ऐसा कुछ होना है सारे कुछ विलेजेस में, तो बहुत सारा सफाई रहेगा स्कूल में। Srikant, you have shared your experience is pretty good, but I'll tell you the reality, the practical thing as a grassroots. The allotment for midday meal is 5 rupees 82 paise from the government. And do you really think that quality can be improved from that price for one children? See, we have the models, but we cannot generalize it. That is my point, I think. No. Somewhere else, like, you know, what they are giving, like 5 rupees, what you are saying, like 5 rupees, even as per the, you know, if you check from the grassroots level, you cannot expect that is 5 rupees even reaching as per, you know. There are many skip, like, you know, eggs they have to give on time. They are skipping that eggs also. Like, you know, there will be some schedule for eggs. So in that way also, not only food quality, what they are giving, that is not reaching at grassroots level. So in that view also, we can focus. See, you are saying that it's not reaching. I'm telling you the figure, what is reaching at the grassroots. You just leave the thing, yes, what is going, what is like diverting from the government to the grassroots.
That is reaching at the grassroots. That is a reality. 5 rupees 82 paise is a reality of midday meal. The reality, we have the models, but how many models do we have? We have 2,67,000 panchayat. And if you're talking about one, in just one state, if I'll talk about Chhattisgarh, we don't even one child-friendly village. We don't even one woman-friendly village. Just, I'm talking about 11,654 panchayat. Mm-hmm. So now it's like Asifabad, Chilli Asifabad. Do you have anything, Srinath? Chilli value addition in this, my objective is to create such infrastructure where, you know, there is a such areas like, you know, this Asifabad located in Maharashtra and Telangana border, where this Varda Penven River comes and meted as a Pranahita. So this is a very fertile area for this chili. And nowadays, instead of going for this cotton and all other things, people, you know, started producing this chili. But they are taking this chilies to market, like, you know, from this Asifabad area to Nagpur, either or Telangana Varangal. It's like, you know, almost 350-300 kilometer distance. So my thought is, in my family, my own family, they are producing like 50 tons, 60 tons each every year for 2 seasons. So I got thought, they are, you know, every time they are asking me which mandi is rate, good rate, and where we can sell, and what is the brokerage, what is the transport. So where these all thoughts, you know, created me to why I should not create such infrastructure to provide them, you know, value addition, so they can sell from there only. If I create them backward forward market linkages and any other issues, so we can work on it. So we will create such infrastructure where they can, you know, they will do value addition, and they will tie up with like Ashirwad chili powders. Like, so on that view, I am working and I am thinking on that. So how our institute will help for this institute? So my objective is to create one infrastructure there, so where they can, you know, add value for their product and they can sell. So through that, they will, you know, eliminate this post-harvest losses and traveling charges and middleman as well. So I'm thinking in this dimension. So I'm thinking to start initiative from my side only, but it is, you know, very difficult. So I'm thinking to, you know, diverse resources where can help us to, you know, achieve the goal. The objective is to create one infrastructure there, so where they can, you know, add value for their product and they can sell. So through that, they will, you know, eliminate this post-harvest losses and traveling charges and middlemen as well. So I'm thinking in this dimension. Yeah, so Panchayat as an institution, so they can put one person there and they can give some like minimum wage, like 8,000 rupees. And that person can be like a linkage, market linkage officer. So with that, Panchayat will create their own funds actually. So from their own fund, there is a provision where they can put it into this planning process, and which can be like 26% is the amount that Panchayat can leverage for this manpower from the 15th Finance Commission. So Panchayat is having their own financial resource available also. Okay, but for to create infrastructure, from where I can get the funds? You know, you told that to 15th Finance Commission, some financial resource will be there in GP. So how I can get to to create this you know, type of activity? So what I'm saying, creating infrastructure wise, there's only provision from 15th Finance Commission. Okay, so if Panchayat is willing to get, so that can be done. Else actually there's one vertical which is called as BPRP, which has been like included into the GPDP last year. So in the BPRP plan, BPRP. The village poverty reduction plan, it can be included as a like part of activity from this from BPRP. Okay. Satishji, can you add these 2 points? One is GPDP and BPRP, financial resource for this chilies. So I will look on it. I will do studies and I will check with my villages and district, from representative and other administrative people, so how it will be helpful, and I'll discuss with you next topic. I mean next week session. Okay. In my perspective, what I feel to say on the Chilli Asifabad is like the marketing concern is the biggest point now in the Asifabad of Chilli. So what are the people facing? Is it a required a value addition? Is it a required only the marketing channel? Both value addition required and market linkage is also required. Do they don't have the already existing processing units over there? No. There is no such unit in all over, you know, district and, you know, East Wild district also, Adilabad. There will be such unit they are going to create in Varangal, I think so. Yeah, my question is like, is there any already existing chili processing in the area which you wanted to start? My question is like, why do you want to start another processing unit? I'm saying that asking this question is not feasible, I think. So whomsoever is going to put their project, so they have to do this need-based assessment. And like add on to the point what like Srinath like is talking about, there's a provision of this
SSS, state sponsored scheme. Like panchayat is getting for the panchayat. So like this MP lard or MLA lard. So this type of fund can be utilized for the establishment of all this like infrastructure that you're talking about. Thing is, what you said, like MP lard, along with that one is one scheme is Dersagi, Sansad Adarsh Gram Yojana. So to make model village, they are using this MP lard funds. So I was working in that same scheme for the last three, four months. But it's very good things, but you know, to align all these things, to implement, it's very difficult still. But we can add some points, and I'll make a presentation also for next week along with you and as along with my MLA also I spoke last time. So he's very appreciative for this initiative. But I want to put one final call for this institutional nature. Like, you know, Satish said last time, like, whether we have to go for 10 members only or alma mater like that. So who are the alma maters? We are the alma maters. We united 10 people, and we have to work as a checks and balances with our targets. So then only it will be, you know, feel that is mandatory. So we're responsible, you know, we will feel like we're responsible each other. But हम लोग अच्छी कर रहे हैं कि थोड़ा डिस्कस करके आगे ले जा रहा है कि ये चीजें हैं और ये चीजें ऐसा करनी है. हमको तो लगता है कि अच्छी चीजें ही कर रहा है हमको तो. बट ये बात है कि आल्मा मैटर से ले जानी है या सेपरेट एंटिटी से ले जानी है, ये तो बहुत बड़ा बात है कि डिस्कस करने का जरूरी है. So where if we start working on it, so you know when we are going to finish this institutional, you know, registration and to get funds, maybe is there any deadline, like, you know. So if you help in this case, definitely I will make success in that, because we have political support as well as, you know, all support is there if we form such initiative. Last time I spoke to additional collector, so he said, so before that all going, Srinath, you people have to prove yourself. Who are you? You have to be prove yourself. You have something what you are doing. Until unless do yourself something hard work, you cannot, you know, government people, they will not agree you for simple, you know, we are doing that thing, this thing. You know, speaking words, there are many words. But he said one word only, what you are, what your society, prove something. So then you can approach with some proposal. Definitely we will help you. This is the end of institution building. Now the share capital or whatever has to become forward. But the concepts are coming forward now. Like these concepts are coming forward now. So once I feel like getting clarity on this is one of the big matter. All these all matters. So what are we trying to do as an individual level and present it to the table. And then take it forward. But मेरा हिसाब से चिल्ली प्रोसेसिंग के लिए एक हिसाब से हम लोग एक फंड को खोज रहा है जो फंड जो बाकी लोगों को हेल्प करे और अल्मा मैटर के लिए भी हेल्प करे. वो फंड कहीं से भी हो सकता है. वो एमपी लैड्स हो सकता है, एमएलए लैड्स हो सकता है, एमएसएमई हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग. जैसे कि आप पीएम ईजीपी बोल रहे हैं, पीएम ईजीपी को छोड़िए कि पीएम एफएमई को पकड़िए. पीएम एफएमई 2 करोड़ देती है. PMFME, Pradhan Mantri Food Micro Entrepreneurship Program. So this is gives up to 2 crore for the collective action. So what else is there the bigger than the PMEGP? So if you think on that, we can converge to the VPRP or we can converge to the GPDP in the post harvest losses. मेरा हिसाब से तो एक हिसाब से बहुत सारा गहराई है post harvest losses में हम लोग funds पकड़ने के लिए. तो वो कैसा पकड़ेंगे वो हम लोगों के हिसाब से है. या executive के पास जाएंगे या legislative के पास जाएंगे. तो yeah, if you have a legislative power, we can go with the legislative power. In this case, there will be a district industrial center, you know, DIEC. So I spoke to them. They are saying that if you don't want to start your own initiative, you can unite 10 people, register one, you know, take separate account on your association name through that account number. And you people have to decide some name for that association. Then you can approach DIEC. DIEC will send that to bank. You will get money. You can create through that infrastructure. So this is the one point who given by that DIEC officer. So till now, we not form any, you know, association or society. So on what basis we can take such loans and how we will initiate it. And in that PMEGP, they are giving 20 lakhs in that if you run successful for 3 years, you will get 35% of subsidy. That to 20,000, I mean 7 lakhs, 2,200, 7 lakhs will be like 13 lakhs we have to pay back. That's it. Starting, पहले तो मैं काफी discussion हुआ है बीच में, उस पे थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, फिर चिली पे आते हैं. Yes, yes. जैसे, जैसे मधुरानी, उन्होंने कहा था कि स्कूल पे देखो जैसे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं, जैसे जो उन्होंने वो मेंशन किए वो राइट है. हम देखते हैं कि स्कूलें काफ़ी हैं, बच्चे भी काफ़ी हैं, लेकिन टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो उसको हम कैसे एक मतलब कन्वर्जेंस या कैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं यूथ से, या कैसे हम टेक्नोलॉजी से लिंक कर सकते हैं कि सिंगल टीचर कैन टीच मल्टीपल स्कूल्स. ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों पर हमें, उन आइडियाज़ पर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा जो थोड़े से ट्रैक से हट के. जैसे हम स्मार्ट एजुकेशन की भी बातें चल रही है, जब कभी हम प्राइवेट स्कूल में विजिट करेंगे, जो जैसे हम DPS में विजिट करेंगे, तो उनमें ये होता है कि टीचर रेगुलर नहीं आते, लेकिन उनके पास बड़े वाले स्क्रीन वाले जो इंटरेक्टिव पैनल वो लगे हुए हैं. एक टीचर कहीं पे भी, एक लोकेशन पे बैठ के वो सारी क्लासेस को वो हैंडल कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है बच्चों से. तो क्योंकि देखो, अगर हम देखते हैं, अगर हम कुछ ऐसा हम लेके आएंगे थोड़ा सा जिसमें मतलब फाइनेंशियल नीड है
और गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी बर्डन है, ऑलरेडी वो नहीं चाहता इन सब चीजों पे इंगेज होना, तो हमारे आइडियाज कहीं ना कहीं डायल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि काफी टाइम से हम ये सब पॉइंट पे चल रहा है कि एजुकेशन इंप्रूव होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन काफी चीजें लिमिटेशन है। हम जैसे क्यों नहीं ऐसा प्लान कर रहे जैसे मोबाइल, जैसे एजुकेशन ऑन व्हील या मिनी साइंस लैब ऑन व्हील, तो उस टाइप के कुछ कंसेप्ट रहेंगे, तो एक चीज इंफ्रा को हम मल्टीपल लोकेशन पे यूज कर सकते हैं, तो वो जो हम ब्रिंग करेंगे हमारे जो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो क्या होगा वो काफी सीएसआर भी अप्रिशिएट करेगा, काफी जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें भी होगा, और हम रिमोट लोकेशन तक भी वो पहुंचा सकते हैं। एक स्कूल में अगर 50 बच्चे तो 50 के लिए ही वो इंफ्रा होगा, लेकिन ऐसी चीजें होगी कि हम काफी स्कूल हो गए, हम 5,000 बच्चों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे तो गवर्नमेंट ये सब चीजें नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास वो बोलेंगे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हम हमारा पूरा सिस्टम है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अगर ब्लॉक लेवल पे डिस्कस करते हैं तो काफी चीजें ऐसी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोल के आपको क्या यूज है, हमें वो तो हम कर ही रहे हैं या हमारे कॉन्ट्रेक्टर कर ही रहे हैं। हमारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या होगा, जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी और जो बेनिफिट होगा वो नंबर ऑफ पीपल तक जाएगा, ये हमारा यूएसपी होगा और ये यूएसपी हमें क्रिएट करना है। और हमें थोड़ा ये भी कोशिश करना है कि हमें थोड़ा सा पाथवे ऐसा तैयार करना है कि कौन सा केस जो होगा जो हमारी एजेंसी के लिए, हमारी एजेंसी उसको टेकअप करेगी, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। जैसे हम आते हैं इस पे चिली प्रोसेसिंग पे, चिली प्रोसेसिंग पे अगर हम देखें, देखो एक तो होता है ग्रांट, एक होता है लोन। अगर हम एसएमएससी जो अभी हमने ऐसा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला जो चल रहा है उसमें वो ग्रांट देती है कि लोन देती है, एफपीओ अगर हम एफपीओ बनाते हैं तो हमें ग्रांट मिलता है, मतलब उनको रिटर्न नहीं करना है, उससे वो इंफ्रा भी क्रिएट कर सकते हैं और जो हम ये प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं उसको भी रिजोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोई सब्सिडी पे स्कीम अगर लोन पे बात करते हैं तो वो क्या होगा, एनी हाउ अगर ये आइडिया सक्सेस हुआ तो ठीक है, अगर फेल हो गया तो वो एनी हाउ उन पर बर्डन हो जाएगा। तो विदाउट टेस्टिंग द मॉडल कि हाँ कितना सक्सेसफुल होगा, कितना आरओआई जनरेट होगा, हम अगर फार्मर्स को लेके जाते हैं कि नहीं आप ले लीजिए जो नॉर्मल चल रहा है एसजी में एमएफआई वो सब कब कर रहे हैं, हम उसी पैटर्न को फॉलो करें, बेटर है कि हम थोड़ा क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग एक्सपर्ट है, आइडियाज कोई बुरे नहीं है, लेकिन कहां से इनिशिएट करना है, कहां पे कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर हम पैसे लेके काम करेंगे तो 100 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, काम करता है या केपीएमजी में काम करता है इनका। देखो उन्होंने सेटअप इस तरीके से सेटअप कर रखा है कि हर गवर्नमेंट में किसी स्कीम के लिए वो मॉनिटरिंग एजेंसी है, कंसल्टेंसी है, वो सब है उनको उस स्कीम का, जो 10% अगर बात करते हैं जो मॉनिटरिंग पे है तो वो उनको मिलता है। स्कीम का वर्थ है 2,000 करोड़ रुपीज, 10% मतलब 200 करोड़ रुपीज, एग्जांपल है, बीच में डिस्कशन हुआ था मिड डे बिल पे। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी मिड डे बिल दी जा रही है वो सफिशियंट नहीं है, तो उसकी जगह फिर हम क्या करें, हमें बोला जाता है कि माइक्रो मिलेट्स को आपको डाइट में लेके आना है, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन नहीं तो कैसे होगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एरिया है, ऐसा है लोकेशन वहाँ उनके प्लान में, डिस्ट्रिक्ट प्लान में जीपीडीपी में वो डालना पड़ेगा कि यहाँ से प्रोडक्शन करके लेडीज को ट्रेंड किया जाए कि वो जैसे लड्डू वो सब चीजें बनाती हैं, पंजीरी वो सब चीजें बनाती हैं, उनको हम वहाँ करें और उसका फिर हम किस चैनल के थ्रू सब तक पहुंचाएं, वो रीच इंश्योर करें और उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकती है, तो उससे क्या होगा लॉन्ग टर्म, इनिशियल बिगिनिंग नो डाउट स्लो होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कितने बच्चों तक हम न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव कर पाएंगे। तो हमें मॉडल ऐसे बनाने हैं कि जो रेप्लिकेबल हो, वैसे सिस्टम जैसे डेयरी एक स्टैब्लिश हो गई, कैटल जो रियर है वो सब जगह है, वो क्यों नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं, क्या उनका चैलेंजेस आता है, कैसे उनको सपोर्ट करना है, क्या क्या गैप्स हैं, तो हम उस टाइप में अगर हम जाएंगे तो हमारा एलुमनाई मैटर भी यूटिलाइज होगा, एनआईडी जो होगा कॉन्फिडेंटली हमें सपोर्ट करेगा और हम लोग जो चाह रहे हैं ना, जो विजन हम सोच रहे हैं उसका हम वो हिट कर पाएंगे, इवन तो बियॉन्ड हिट कर पाएंगे। 100% करेक्ट है सर, जैसे कि शुरुआत में शिवराम मतलब शुरुआत में जो एनआईआरडी का करिकुलम, एनआईआरडी पीआर पीजीडीआरडीएम का करिकुलम बना था, वो मेन मोटो था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ही ये प्रोफेशनल्स आगे ले जाएगा, जो आरडी प्रोफेशनल बनेगा वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को ही आगे ले जाएगा, बट बाद में वो नहीं बना था, धीरे धीरे वो बदलते गया, वो नौकरियों में बदलते गया, जैसे कि हमको एसआरएलएम में नौकरी चाहिए, एनआरएलएम में नौकरी चाहिए, पंचायती राज में चाहिए, बट कुछ कुछ लोगों को ऐसा सोच आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहा है, जैसा कि मैं मुझे आया या श्रीनाथ को आया या बाकी लोगों को आया, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द पीजीडीआरडीएम कोर्स करिकुलम, बट बाद में वो धीरे धीरे बदलते गया, जैसे कि सीनियर्स ने बताया हमको। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें थॉट प्रोसेस वैसा रखना पड़ेगा ताकि हम जैसे जैसे हम करें वो उसको कनेक्ट करता रहे। ठीक है, मेरा एक पॉइंट और है, हमें हमारे डिस्कशन में एक रिवर्स माइग्रेशन को भी एड करना चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये पॉइंट याद किया, मैं जो प्रपोजल जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो इसके लिखा था ना, ये पॉइंट भी मैं क्रिएट किया था, अगर मैं ये यूनिट क्रिएट कर रहा हूँ बहुत बड़ा डेवलप हो गया तो उसमें तो कहीं ना कहीं बच्चे विलेज से कहीं सिटी चले जा रहे हैं, तो वो तो जरूरी आएंगे, यहाँ पे जो सिटी में मिल रहा है 10,000 रुपया तो यहाँ मिल रहा है तो यही करेंगे ना। सो एडेड दिस व्हाट यू सेड वैलिड पॉइंट, रिवर्स माइग्रेशन, इसमें तो सही है, सोशल जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सही है, मेरा ओवरऑल वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक हमें रिवर्स माइग्रेशन या माइग्रेशन पे हमें एक पॉइंट ऐड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि सब जगह हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर छूटती जा रही है, उसकी वजह से क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है सिटीज में, उसकी वजह से सिटीज में काफी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं डिस्टर्ब हो रही है गाँव का, जो क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं बचेगा तो हमारा कंट्री कैसे बचेगा। एलमा को हमें देना चाहिए जो पॉलिसी मेटर्स के जो गैप्स हैं, ये जैसे हम जैसे
कोई भी गाइडलाइन उठा लो किसी भी स्कीम की, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफी गैप्स हैं फील्ड पे, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है उनको, हम कैसे किन किन रिसोर्स से कनेक्ट करके हम कर सकते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। राइट, लाइक व्हाट इज द फोकस, व्हिच एरिया इज योर फोकस, लाइक व्हाट इज द पॉलिसी यू आर फोकसिंग ऑन, लाइक द रिवर्स माइग्रेशन यू कैन से और एनी अदर यू आर सीइंग लाइक। तो इसमें एक रूरल प्रोडक्ट मार्केटिंग एक ले लो, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। तमादेवी वाज आल्सो इनटू द रूरल एंटरप्राइज, सो रूरल एंटरप्राइज का जो भी प्रोडक्ट्स है यहां से मार्केटिंग। What is the take forward, like Alma Mater or the separate entity? What is this take forward? What are we going to do for this? It is 100% a correct point for your point of view that if, what is the role they are doing? So if they are president of the representatives of the 250 people, what is the role they are, responsibilities they are fulfilling? So we need to ask them and we need to get clarity on that also. Do we have MOA of that registered body? Alma, the association. Alma. वही तो नहीं है ना, वी हैव एमओए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड ऑल, सो अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस। वी कैन यू मेक सम क्वेश्चनाइज फॉर यू नो व्हाट कैन बी यू नो डिस्कस विद द अल्मा मैटर्स। तो देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्स्ट वी विल क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ दैट ओनली। अब बायलॉज बना हुआ है, शेयर किया हुआ है। This week, definitely from my side, definitely I'll speak to all people who are the president. I got numbers from Satish already shared last time. Mm-hmm. Definitely, we have to involve them for next session, definitely. And only we can, you know, think differently and effectively, I think so. Right. If this is the correct and point. Also, do one thing. Whoever, either you will communicate. After the communication, you just text the message. कर लिया, पैसा खर्चा किया, बट वो लोग करना क्या चाहती है हम तो अभी तक ये नहीं समझे। अगर ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो बढ़िया है। और दूसरा कि हमें दो दो एंटिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एंटिटी से ही हम वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको फिर आगे लेके जाएंगे।